हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर। तो फिर आज लोग बात करने वाले हैं हम लोग मॉर्निंग स्लॉट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर, जिसमें फिर आप लोगों में से दोनों ने सब मुझे शेयर सब मेरे साथ में शेयर करा है टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए फिर यहाँ पर आप बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते फिर यहाँ पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर। फिर ये है आपका जिनका इनका इंटरव्यू हुआ था, 10 AM का स्लॉट था फिर इनका। और चलिए देखते क्या क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट, ओके, मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन अबाउट माई प्रीवियस एंड करेंट एक्सपीरियंस एस डी एल सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी इन आई टी एक्सप्लेन्स डेडलिंग पॉइंटर कैलॉग एंड मेलॉग फंक्शन डू यू हैव ए लैपटॉप अबाउट नोटिस पीरियड करेंट जॉब क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। देखेंगे फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देखिए नोटिस करना फ्रेंड, इनका जो TR HR दोनों, जैसे मैंने को कहा था फिर इन्फोस का TR HR दोनों एक ही दिन होता है। यहाँ से आप लोग यहाँ तक देखोगे फ्रेंड, ये है आपका TR, ओके, एंड दिस 3 क्वेश्चन आर फ्रॉम HR। तो TR आपका HR जो है और इसको आप लोग MR भी ऐड कर सकते हो, तीनों आपका एक ही दिन देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द नहीं मतलब हमेशा वो एक ही दिन इंटरव्यू होता है इन्फोसिस का। सेकंड फिर इनका इंटरव्यू हुआ था फिर 9 AM का, इनका 9 AM का स्लॉट था। टेल मी अबाउट विच लैंग्वेज यू फेमिलियर सी लूप्स ऑप्स कॉन्सेप्ट डू यू एनी क्वेश्चन दैट्स इट। आप फिर देखोगे तो यहाँ पर आप इनसे केवल 5 से 6 मिनट का इंटरव्यू इनका चला था फिर, काफ़ी छोटा इंटरव्यू था, ठीक है। तो इनका 2 इंटरव्यू मैंने बता दिया फिर आपको, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखोगे फ्रेंड, अगर आप लोग NIT से बिलोंग करते हो तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर गेटिंग ए प्लेस इन इन्फोसिस। बट अगर आप लोग CSIT से हो तो मे भी आपसे थोड़ा सा लोग ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, थोड़ा बहुत आपसे जो है क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते। और हाँ, डिपेंड भी करता है कि आप लोग का इंटरव्यू ले कौन रहा है, कौन से HR आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो काफ़ी लोग HR जो होते हैं कम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और काफ़ी HR जो होते हैं उनके पास ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो लोग जो है थोड़ा जल्दी जल्दी सबका इंटरव्यू जो कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड बेस्ट ऑन योर इंटरेस्ट। और यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड बता दूँ, जिनसे भी टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर आप लोग जो है उसमें से अगर आप लोग 50 से 60% भी जवाब दे देते तो आप लोग ईजिली जो है क्वालिफाई कर जाओगे। क्यों पता है, देखो अभी तक इन्फोस का मैंने बताया था फ्रेंड, इन्फोस में काफ़ी लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते। और आप लोग देखोगे फ्रेंड, अगर आप लोग से जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके रिज्यूमे के ऊपर बेसिस है। मतलब आपने रिज्यूमे अगर ये मेंशन करा कि आपको केवल जावा आता है तो आपसे केवल जावा में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, दैट्स इट, उससे आपको बाहर नहीं पूछने वाले। एक मैंने बंदे से बात करा, उन्होंने अपने रिज्यूमे में जो है बस एक प्रोजेक्ट और एक जावा लैंग्वेज मेंशन करा था। उनका इंटरव्यू जो 10 मिनट चला था, केवल उनसे प्रोजेक्ट के ऊपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रिज्यूमे में क्या मेंशन कर रहा है उसके ऊपर मैं आपसे इंटरव्यू वगैरह पूछने वाले। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अपना इंटरव्यू शेयर करना आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं कुछ वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।